दोस्तों मैं मनोज स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज हम जानेंगे कि लोको पायलट को कैसे पता चल जाता है कि आगे प्लेटफॉर्म आने वाला है या स्टेशन आने वाला है। तो दोस्तों लोको पायलट सिग्नल के आधार पर ही काम करते रहता है। उसको जैसा सिग्नल दिखता है उसके आधार पर ही वह ब्रेक लगाता है और सिग्नल से ही वह जज कर लेता है कि आगे स्टेशन आने वाला है। तो दोस्तों जब लोको पायलट को डिस्टेंट सिग्नल दिखेगा जो कि परमिसिबल सिग्नल है, इसमें रेड सिग्नल नहीं होते हैं, सिर्फ येलो और ग्रीन सिग्नल होते हैं। डिस्टेंट सिग्नल में येलो और ग्रीन सिग्नल होता है, यह परमिसिबल सिग्नल है। तो इस पर अगर उसमें येलो अगर सिग्नल रहता है तो वह कंफर्म हो जाता है और ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। उसको पता चल जाता है कि यह डिस्टेंस सिग्नल के एक किलोमीटर बाद इनर सिग्नल आने वाला है और इनर सिग्नल के 1 किलोमीटर बाद होम सिग्नल आने वाला है। इसी आधार पर वह ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। अगर डिस्टेंस सिग्नल येलो कलर का है तो वहाँ से ब्रेक लगाना शुरू कर देता है और 1 किलोमीटर बाद इनर सिग्नल आता है। अगर वहाँ भी अगर येलो अगर उसको कलर मिलता है तो वह ब्रेक के साथ आगे बढ़ते रहता है और 1 किलोमीटर बाद इनर सिग्नल के 1 किलोमीटर बाद होम सिग्नल, जहाँ पे तीनों कलर रहते हैं रेड येलो और ग्रीन, अगर वहाँ पे अगर होम सिग्नल रेड रहा तो वहीं पे वह गाड़ी को रोक देता है और वेट करता है सिग्नल चेंज होने का। और जो यह होम सिग्नल है यह स्टेशन मास्टर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह वह समझ जाता है कि गाड़ी को फुल स्पीड में ले जाना है या गाड़ी को वहीं पर रोक देना है या गाड़ी को स्लो स्पीड में ले जाना है। तो पूरा लोको पायलट सिग्नल सिस्टम पे काम करते रहते हैं, सिग्नल को देखकर वह आगे का डिसीजन लेता है। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। इस टॉपिक में इतना ही, फिर कल एक नए अपडेट्स के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू। और हाँ दोस्तों, जय हिंद।